हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की वीडियो होने वाली है WWE से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में, जिसमें मैं कवर करूंगा रॉयल रंबल PPV से जुड़े रूमर्स को और टाइसन फ्यूरी के फ्यूचर को। वहीं इस वीडियो में एक अपडेट AEW की भी कवर करूंगा, जो कि जुड़ी हुई होगी NXT और AEW से। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई होप आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है जिप्सी किंग टाइसन फ्यूरी से। टाइसन के WWE फ्यूचर प्लान को लेके एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि विंस मैकमैन की एक बड़ी कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइसन फ्यूरी ने क्राउन ज्वेल में WWE में अपना डेब्यू करा था। उसके बाद टाइसन फ्यूरी 8 नवंबर 2019 को शो में दिखाई दिए थे, जो कि मैनचेस्टर में हुआ था। वहीं टाइसन फ्यूरी की 22 फरवरी 2020 को वाइल्डर के खिलाफ फाइट होने वाली है, और टाइसन फ्यूरी का WWE फ्यूचर काफ़ी हद तक इस फाइट पर ही डिपेंड करता है, और उनकी रसलमेनिया 36 की वापसी भी। रूमर्स ऐसे हैं कि विंस मैकमैन ने टाइसन फ्यूरी की वापसी पर कंडीशन ये रखी है कि अगर टाइसन फ्यूरी 22 फरवरी 2020 को होने वाली फाइट हार जाते हैं, तो WWE उन्हें WWE के सबसे बड़े PPV यानी कि रसलमेनिया 36 में मैच नहीं लड़वाएगी। और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो क्या ही कहने, WWE को उनकी जीत से काफ़ी फायदा होगा, और WWE उन्हें रसलमेनिया 36 जैसे बड़े इवेंट में शामिल कर सकती है। अब ऐसा करके विंस मैकमैन ने बॉल टाइसन फ्यूरी के पाले में ही डाल दी है, मतलब कि विंस मैकमैन ने उनका WWE फ्यूचर उन पर ही छोड़ दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, टाइसन फ्यूरी को WWE में रिटर्न करके 1-on-1 मैच खेलने चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है AEW और NXT से। अब जब से AEW लॉन्च हुआ, तब से उसका डायरेक्ट कंपटीशन NXT के साथ चल ही रहा है। अब कभी NXT AEW को बीट करती है और कभी AEW NXT को बीट करती है। बट अभी कुछ ऐसा हुआ जिसमें NXT के चैंपियन ने AEW चैंपियन क्रिस जेरको को बीट कर दिया, जिस पर शायद क्रिस जेरको को भी बिलीव नहीं हुआ। आप सभी को बता दूं, PWI ने अभी हाल ही में NXT चैंपियन एडम कोल को रेसलर ऑफ द ईयर 2019 डिक्लेयर करा। PWI ने जो पोजीशन एडम कोल को दी है, वो रेसलर्स के लिए काफ़ी मैटर करती है। यही वजह है कि क्रिस जेरको ने इस पे इंस्टेंट रिएक्ट करा और PWI के ट्वीट पे रिप्लाई करते हुए लिखा, व्हाट वाज द काउंट। इस पे PWI ने रिप्लाई करते हुए उस पोल को शेयर करा जो PWI ने कुछ दिन पहले करा था, जो कि क्रिस जेरको, सेथ रॉलिंस, एडम कोल और कॉफी किंगस्टन के बीच हुआ था। इसमें सेथ रॉलिंस को 7%, कॉफी किंगस्टन को 13%, क्रिस जेरको को 39% के आसपास और एडम कोल को 42% वोट मिले। अब क्रिस जेरको यहां भले ही थोड़े वोट से पीछे रह गए हों, बट चौंकाने वाली बात यह है कि जेरको 49 ईयर्स के होने के बाद भी इतने लोगों की पसंद बने हुए हैं। सेथ रॉलिंस और कॉफी किंगस्टन के वोट्स ने काफी ज्यादा चौंकाया। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है WWE के चैंपियन ब्रॉक लेसनर से। जैसा कि पॉल हिमन ने बताया कि ब्रॉक लेसनर इस साल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में नंबर 1 पर एंटर होंगे। वहीं ब्रॉक लेसनर इस बार इस मैच का पार्ट क्यों है और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर पहले ही कर चुका हूं। वहीं काफी फैंस के मन में सवाल होगा कि ब्रॉक लेसनर को कौन एलिमिनेट करेगा इस मैच में। अब जो भी उन्हें एलिमिनेट करेगा, वही ब्रॉक लेसनर का रसलमेनिया 36 का अपोनेंट भी होगा। उसको लेके नाम भी काफी सारे सामने आ रहे हैं, बट सबसे ऊपर नाम केन वेलास्केस का ही सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस के बीच मैच शेड्यूल था रॉयल रंबल के लिए, बट ये मैच WWE में यहां नहीं कराया। तो माना जा रहा है कि केन वेलास्केस ही ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करेंगे 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में। अब देखते हैं कि केन वेलास्केस कैसे इस मैच में ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से हमें इन दोनों बड़े सुपरस्टार के बीच मैच दिखाई देगा रसलमेनिया 36 की ग्रैंड स्टेज पर। तो फ्रेंड, ये थी कुछ बड़ी अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।